कबीर साहब कहते हैं, ना हरि भजस न आदत छूटी, शब्द ही समुझ सुधारत नाही, आंधर भये हियहु की फूटी। पानी माही पशान की रेखा, ठोकत उठे भभूका, सहस घड़ा नित उठ जल ढारे, फिर सूखे का सूखा। सेत ही सेत सितंग भव, सैन बाढ़ अधिकाई, जो सन्निपात रोगियन मारे, सो साधुन सिद्धि पाई। अनहद कहत कहत जग बिन से, अनहद सृष्टि समानी, निकट पयाना यमपुर धावे, बोले ये कै बानी। सदगुरु मिले बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारे, कहें कबीर ते सदा सुखी है, जो यह पद ही विचार। ना हरि भजस न आदत छूटी, कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य न हरि का भजन करता है और न उसकी गलत आदतें छूटती है। भजन और भोजन ये दो चीजें हैं। भोजन से शरीर की भूख दूर होती है, किंतु कितना उत्तम से उत्तम सुंदर से सुंदर व्यंजन खा लो, आपके मन की भूख नहीं दूर होगी उससे। मन की भूख भजन से दूर होगी। तो जीवन के लिए जितना भोजन आवश्यक है, उतना ही भजन भी आवश्यक है। शरीर के लिए भोजन, इस शरीर के भीतर जो जीव बैठा है, जिसे आप चेतन आत्मा रूह सोल भी कहते हो, उसके लिए भजन। दुनिया में भोजन करने का सौभाग्य और भोजन करने की योग्यता प्राणी मात्र को प्राप्त है। कीड़े मकोड़े से लेकर के बड़े से बड़े जानवर तक भोजन की व्यवस्था प्रकृति में है, और दुनिया का कोई भी प्राणी भूखा नहीं सोता। जो जैसा है उसका वैसा भोजन मिल जाता है। तो भोजन करने का सौभाग्य तो प्राणी मात्र को मिला है, किंतु भोजन और भजन दोनों करने का सौभाग्य केवल मनुष्य को मिला है। मनुष्य को भी भोजन करना होता है, क्योंकि जीवित रहना है, बिना खाए हम जीवित नहीं रह सकते। कितनी आत्मा परमात्मा की बात कर लो, स्वर्ग नरक की बात कर लो, जन्नत बिहिस्त की बात कर लो, मोक्ष कल्याण गति की बात कर लो, बिना भोजन के कोई काम नहीं आने वाला है। इसलिए कहा गया, भूखे भजन न होए, गोपाला ले ले अपनी कंठी माला। सबसे पहले भोजन चाहिए, तब भजन चाहिए। मनुष्य को जीवित रहना है तो भोजन तो चाहिए, लेकिन जीवन का कल्याण भोजन से नहीं होगा, भजन से होगा। एक कड़वी बात संत लोग कहा करते हैं, बात कड़वी नहीं होती है, बात तो सच होती है, किंतु बातें कड़वी क्यों होती है? जो सच बात होती है
वो कड़वी क्यों होती है, सच कड़वा क्यों होता है, क्या सचमुच में सच कड़वा होता है? सच केवल सच होता है, न कड़वा होता है न मीठा होता है। फिर सच कड़वा क्यों लगता है? इसलिए कि आदमी के मन में झूठ के लिए मोह है, झूठ के लिए प्रेम है। झूठ के लिए जितना मोह होगा सच उतना कड़वा लगेगा, और जिस दिन झूठ का मोह खत्म हो जाएगा सच मीठा लगने लग जाएगा। एक कड़वी बात महात्मा लोग कहा करते हैं, जो केवल भोजन करता है, भजन नहीं करता, जो केवल भोजन करता है वह भजन भोजन कर सकता है, जो केवल भोजन करता है उसे जानवर कहा जाता है, और जो भोजन और भजन दोनों करता है उसे मनुष्य कहा जाता है, और जो मनुष्य पाकर के केवल भोजन करता है भजन नहीं करता उसे क्या कहना चाहिए, आप लोग जानो। मेरे पास इसको उत्तर नहीं है। भोजन हमारी मजबूरी है। मजबूरी किसे कहते हैं? जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। बिना कपड़ा का हम जीवित रह लेंगे? अनेक साधु होते हैं कपड़ा नहीं पहनते, जैनों में दिगंबर संत होते हैं कहाँ कपड़े पहनते, लेकिन जीवित तो रहते हैं, किंतु भोजन उन्हें भी चाहिए। बिना मकान का हम जीवित रह लेंगे? जानवरों का कहाँ अपना मकान है? जो जानवर आप पालते हो उनके लिए तो व्यवस्था की, और जंगली जानवर का कौन मकान है? किंतु जंगली जानवरों को भी भोजन करना होता है। भोजन मजबूरी है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है आत्मकल्याण, आत्मसंतोष, आत्मतृप्ति। हमारा जो मानव जीवन है दो काम के लिए मिला हुआ है, आत्मनो मोक्षार्थ जगत हितायश कहा गया है। आत्मकल्याण का काम करना, और जो बन सके तन से मन से वचन से धन से किसी प्रकार दुनिया के लोगों की सेवा करना। सेवा नहीं कर सकते हैं तो इतनी सावधानी से जीवन जिए कि हमारे तन मन वचन से किसी को तकलीफ दुख ना मिलने पाए। इतना हम कर सकते हैं ना? हम सेवा नहीं कर सकते, किसी के दुख को दूर नहीं कर सकते, किसी की सहायता नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। एक प्रण कर ले और सावधानी से जीवन जिए कि मेरे तन मन वचन से किसी को किसी प्रकार की तकलीफ ना होने पाए, दुख पीड़ा ना पहुंचने पाए, बस इतना पर्याप्त हो जाएगा। फिर भजन की भगवान की भक्ति होगी। यहां साहब कहते हैं ना हरि भजस ना आदत छूटी। मनुष्य ना हरि का भजन करता है ना आदत छूटती है। भजन के नाम पर बहुत कुछ होता है। भजन का अर्थ क्या होता है समझना होगा पहले। भजन का पहला अर्थ होता है सेवा करना। भज धातु से भजन शब्द भी बनता है, और भज धातु से भक्ति शब्द भी बनता है। भक्ति और भजन दोनों का एक ही अर्थ है, पहला अर्थ है सेवा करना। और याद रखें, सेवा की आवश्यकता जो जीवित है जानदार है उसको होती है, निर्जीव को नहीं होती। क्योंकि निर्जीव को सुख भी नहीं होता, दुख भी नहीं होता। निर्जीव को भूख प्यास नहीं लगती है, निर्जीव ठंडी गर्मी नहीं लगती। जो जानदार है जीवित है उसको भूख प्यास लगती है, ठंडी गर्मी लगती है। इसलिए सेवा की आवश्यकता जो जीवित है जानदार है उसको ही होती है। कोई निर्जीव है
उसकी सेवा क्या है, उसकी उचित देख रेख, उसकी मरम्मत, उसकी व्यवस्था। जैसे ये माइक है, मान लो माइक बिगड़ गया तो इसकी सेवा क्या है, इसकी मरम्मत करवाना। लेकिन क्यों, क्योंकि इसे हम बोलते हैं तो आवाज गुड़ गुड़ जाती है। इसकी सेवा भी जानदार के लिए होती है। आप मकान में रहते हो, आपका मकान निर्जीव है, बेजान मकान में कहीं टूट फूट हो गई, कहीं दीवार में दरार आ गई, कुछ हो गया, तो उस मकान में जो टूट फूट है उसकी मरम्मत करना, मकान समय आने पर मकान में रंगाई पोताई करना, झाड़ू पोछा लगाना, ये मकान की सेवा है। लेकिन क्यों, उस मकान में रहने वाले जो जीवित लोग हैं उनकी सुविधा आराम के लिए। मकान बना दियो, कोई नहीं रह रहा है, रोज झाड़ू पोछा लगा रहे हो, सफेदी कर रहे हो, किसके लिए जब कोई है ही नहीं। तो ऐसे जितने भी है निर्जीव, अब कुछ भी कह लो, उसकी सेवा भजन नहीं है, उसकी सेवा भक्ति नहीं है। भक्ति है, सेवा है, भजन है, जानदार की सेवा करना। और जानदार में कम से कम आपके घर में जो वृद्ध माता पिता है, वृद्ध सास ससुर है, रोगी है, कम से कम उनकी तो सेवा करो। लेकिन घर के जो लोग हैं उनसे लड़ना झगड़ना, उनसे गाली देना, उनसे कलह कल्पना विवाद, और सेवा किसी करते हैं, भक्ति किसे करते हैं, प्रणाम किसको करते हैं, आशीर्वाद कहां से मांगते हो, जो बोलता नहीं है, चित्र या मूर्ति किसी भी महापुरुष के हो, किसी भी महापुरुष के, उस चित्र मूर्ति की भक्ति क्या है, सेवा क्या है, उसको साफ सुथरा रखना, उचित जगह पर रखना, बस ये उसकी सेवा है। अब यह चित्र या मूर्ति को वो आशीर्वाद देते हैं तो प्रणाम करो, कभी आशीर्वाद नहीं देते फिर भी प्रणाम करते हो तो आप बहुत समझदार हो। यदि इन्हें भूख प्यास लगती है तो उन्हें भोजन खिलाओ, उन्हें भूख प्यास नहीं लगती खाते भी नहीं है फिर भी आप रोज भोग लगाते हो तो आप बहुत बलवान आदमी हो, बहुत ज्ञानी आदमी हो। ऐसे कबीर साहब ऐसे बलवान और ज्ञानी बनने के लिए नहीं कहते। माता पिता को प्रणाम करो, तत्काल आशीर्वाद मिलेगा। बड़े बुजुर्गों को, गुरुजनों को प्रणाम करो, तत्काल आशीर्वाद मिलेगा। भूख प्यास उनकी लगती है, ठंडी गर्मी उनको लगती है, रोग व्याधि उनको होती है, सेवा की आवश्यकता वहां होती है। दुर्भाग्य यह है मंदिर में जाकर के हम बड़ी भक्ति भावना के साथ हाथ जोड़ लेंगे, प्रणाम कर लेंगे, वंदना भी कर लेंगे, लेकिन घर में माता पिता हैं, सास ससुर हैं, उनका प्रणाम करना, उनके पैर छूना में सोना बड़ा कठिन हो गया। आजकल पढ़ाई लिखाई बढ़ती चली जा रही है, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, मंदिर में जाकर इतनी भक्ति भावना से सिर झुकाएंगे, हाथ जोड़ेंगे और पूजा करेंगे, अब मंदिर से आएंगे तब घर में माता पिता के सामने हाथ नहीं जोड़ सकते। बात करेंगे माता पिता से तो कटु बात करेंगे, तिरस्कार पूर्वक बात करेंगे, पास में बैठने की भी हिम्मत, मंदिर में बैठकर आधा घंटा पूजा करेंगे, लेकिन वृद्ध माता पिता के पास बैठकर पांच मिनट बात नहीं कर सकते। कौन सी भक्ति हो गई आपकी? ये झूठी भक्ति काम नहीं करेगी। आपकी भावना मंदिर जाने की भक्ति करने के लिए करो, लेकिन कम से कम जो आपके घर में वृद्ध माता पिता हैं, सास ससुर हैं, दादा दादी हैं, या अन्य रोगी दुखी हैं, उनके साथ मिठास पूर्वक बात तो कर सकते हो, उनके पास बैठ करके पांच मिनट कुशल मंगल तो पूछ सकते हो, उनकी कुछ सेवा तो कर सकते हो। अब ये भी नहीं हो रहा है तो कैसे माना जाए कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हो? जो जीवित है उनका तिरस्कार,
अजीब बात है। ये हमारी माता बहन जो बैठी हुई है, पुरुषों की अपेक्षा इनमें भक्ति भावना श्रद्धा की मात्रा ज्यादा होती है। नारियां हृदय प्रधान होती है, भावना प्रधान, और पुरुष बुद्धि प्रधान होते हैं, मस्तिष्क प्रधान होते हैं। इसलिए नारियों में भक्ति भावना बहुत ज्यादा, ठीक है। अभी नवरात्र बीता, दुर्गा मंदिरों में बड़ी लाइन लगी थी, कोई बात नहीं। शारदीय नवरात्र आता है, कुवार में जगह जगह दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है और बड़े विधि विधान से उसकी पूजा की जाती है। चलो मानते हैं आपकी भावना है, करते हो, अच्छी बात। अनेक नारियां और खासकर तमाम युवतियां नहा करके खुले बाल नंगे पैर थाली में प्रसाद लेकर के, अगरबत्ती लेकर के, क्या क्या लेकर के दुर्गा की मूर्ति की पूजा करने जाती है और ऐसा लगता है कि बहुत भक्ति भावना लोगों के मन में है। और घर में आएगी तब सास से बात नहीं करेगी, एक गिलास पानी मांगेगी तो डपट देगी। जीवित दुर्गा बैठी हुई, नारियां शादी होती है तो पत्नी बनती है, बहू बनती है, आगे चल करके माँ बनती है, साध भी बनती है। ये जो नारियां बैठी हुई है वे सोचें जरा, जिस पति को पाने के लिए जब शादी हुई तो किसी पति के साथ ही हुई, या जिनकी नहीं हुई है किसी लड़के के साथ ही शादी होगी, वो लड़का पति बनेगा। जिस पति को पाने के लिए तुम अपने जन्म देने वाले माता पिता को छोड़ देती हो, सगे भाई बहन को छोड़ देती हो, सखी सहेलियों को छोड़ देती, गांव घर को छोड़ देती हो, उस तुम्हारे पति को मंदिर भाई दुर्गा ने पैदा किया है या सासुरी दुर्गा ने पैदा किया है? कौन दसवीं दुर्गा है? मंदिर दुर्गा की बड़ी पूजा कर रहे हो, घर में जो साक्षात दुर्गा बैठी है सास, जितने तुम्हारे पति को 9 महीने कोख में रखकर बड़ी हिफाजत से पाला पोसा, छाती का दूध पैदा होने बाद छाती का दूध पिलाया, उसके तिरस्कार, उससे कटुवाने, तुम्हारी दुर्गा खुद कैसे हो जाएगी? विचारना गंभीरता से। तुम मंदिर जाकर दुर्गा पूजा करते हो, तुम्हारी भावना है, लेकिन जब तक शास्त्र भी दुर्गा की पूजा नहीं करोगे, मंदिर दुर्गा कभी खुश नहीं होगी, तुम्हारी भक्ति अधूरी अधूरी रह जाएगी, कोई फल नहीं मिलने वाला होगा। और जो सास बन चुकी है, जिनके बेटे की शादी हो चुकी है, बहू आ चुकी है, वो लोग, वो सास लोग सोचे कि तुमने बेटे को जन्म दिया, छाती का दूध पिला करके पाला पोसा, खुद गिले बेतबस होकर के सूखे बिस्तर पर अपने सीने पर लगाकर बेटे को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। अब तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा हो चुका है, अब उसे तुम संभाल नहीं सकती हो कि तुम्हारा बेटा बहकने ना पाए, रास्ता भटकने ना पाए, समय से तुम्हारे बेटे को भोजन मिले, रक्षा मिले। उसके लिए तुम एक बहू लाई, वो बहू वो दुर्गा है जो तुम्हारी बेटी की रक्षा कर रही है। उस बहू के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा चल रहा है? ताना तो नहीं मारते हो दहेज नहीं लाई कह करके? बार बार शिकायत तो नहीं करती हो? यदि बहू को ताना मार रही हो बार बार, तुम दहेज नहीं लाई, ऐसे नहीं लाई, तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें क्या सिखाया, तो मंदिर दुर्गा कभी खुश नहीं होगी। वो तुम्हारी बेटी है, तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारी बेटी शादी होने के पश्चात जिस घर में जाए वहां उसकी सास उसे बेटी मान करके प्यार दे, उसकी थोड़ी सी गलतियों को डांटे डपटे ना। तो तुम्हारे घर में किसी की बेटी आई हुई है, उसे तुम बेटी मानती हो नहीं मानती हो? कितनी माताएं ऐसी होती है, बहू ने थोड़ी सी गलती की, फोन लगाया बेटी को, आ तुम्हारी भाभी ने ऐसा किया, तुम्हारी भाभी ने वैसा किया, तुम्हारी भाभी ने, क्या फायदा होगा?
तो हर बहू को चाहिए कि अपनी सास को मां मान करके उसकी सेवा करे, और हर सास को चाहिए कि अपनी बहू को बेटी मान करके निश्चल प्यार दे। जिस घर में सास और बहू के बीच माँ और बेटी का निश्चल व्यवहार हो जाता है, उस घर में स्वर्ग का वातावरण हो जाता है। क्योंकि माँ और सास और बहू में यदि निश्चल प्रेम है तो घर का वातावरण कलापूर्ण नहीं होगा, शांत वातावरण होगा। जहाँ शांत है वहां तो प्रेम है। दुर्भाग्य अभी है, ऐसा नहीं है कि आज भी ऐसे घर हैं जहाँ सास और बहू में माँ और बेटी का रिश्ता है। दुर्भाग्य है, ऐसे घर कम होते चले जा रहे हैं। ज्यादातर तो ऐसे घर हैं जहाँ सास और बहू में सांप और नेवला का बैर हो गया है। देखे ना सांप और नेवला की लड़ाई, नरक है वहीं पर प्रत्यक्ष। कोई भक्ति काम नहीं कि तुम बराबर रोज मंदिर जा पूजा करो, सब पूजा झूठी हो जाएगी। यदि घर में प्रेम से आपस में नहीं रह पाती हो तो यही बात इन भाइयों के लिए भी है। मैं ये कह रहा था कि सेवा की आवश्यकता सदैव जानदार को होती है, जीवित को होती है। तो कम सेवा नहीं कर सकती हो तो कम से कम तन से मन से वचन से किसी को तकलीफ तो मत दो, जानवर का दुख तो मत दो। इतना कर लोगे तो बहुत हो जाएगा। और भजन की भजन का अर्थ होता है, मैंने कहा भजन पहला अर्थ होता है सेवा, फिर भजन का अर्थ होता है स्मरण, चिंतन, याद करना। किसका स्मरण करें? अच्छी बातों का स्मरण करें, अच्छी बातों को याद करें। लोग ये भी कहते हैं भगवान का स्मरण करो। भगवान की स्मरण कैसे करेंगे? स्मरण उसका होता है, याद उसकी होती है जिसे हमने देखा है, साक्षात जिसकी मुलाकात हुई है। याद उसकी होगी जिसके बारे में सिर्फ सुना है या पढ़ा है, उसकी कल्पना होगी। तीन दिन पहले, दो दिन पहले कह सकते हैं, परसों इस सत्संग के बारे में आपकी एक कल्पना थी। बस महात्मा लोग आएंगे, कहां से आएंगे, कैसे होंगे, कैसे उनका शरीर होगा, क्या बात बताएंगे, आपकी एक कल्पना थी। अब कल से जब सुना आप लोगों ने तो एक आपने देखा सामने, तो अब इसकी याद होगी कि वहां गए थे शोभा छपरा में, महात्मा लोग आए थे, ऐसी ऐसी बातें बता, तब उसकी याद होगी, स्मरण होगा। भगवान को न तो देखे हो, न भगवान से मुलाकात हुई है, केवल सुने हो, पढ़े हो, याद नहीं होगी, कल्पना होगी। और कल्पना से काम नहीं बनेगा। हम भगवान कल्पना कर सकते हैं, निर्गुण है, निराकार है, ऐसा है वैसा है, स्मरण नहीं होने वाला है। स्मरण कैसे करोगे जिससे मुलाकात ही नहीं हुई है? और ये भी कहा जाता है भगवान मन बुद्धिमाने से परे है, तो जब मन बुद्धिमाने से परे है तो उसकी है तो स्मरण कैसे करोगे उसको? केवल कल्पना कर सकते हैं। इसलिए जो प्रत्यक्ष है उनकी सेवा, जिस देवी देवता की बात कहते हैं कबीर साहब, वो देवी देवता आकाश में नहीं है, वो भगवान भगवती आकाश में नहीं है, प्रत्यक्ष यहाँ सामने बैठे हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हस हस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। भगवान और देवी देवता के दर्शन करने के लिए, भगवती दर्शन करने के लिए मैं आंख ना कान बंद नहीं करता, मैं धूप में खड़े होकर जंगल जाकर तपस्या नहीं करता, मैं जहां जाता हूँ खुली आंखों से मैं रोज भगवान के दर्शन करता हूँ। देखो इधर भगवान बैठे हैं, यहाँ भगवती बैठी है, इधर देवता बैठे हैं, इस तरफ देवियां बैठी, प्रत्यक्ष भगवान भगवती। इसके लिए कल्पना नहीं करना है।
अर्धनारीश्वर महादेव का फोटो आपने देखा होगा कभी कभी, चित्र बना होता है, शरीर का आधा हिस्सा बाएं हिस्सा नारी का होता है, दाएं हिस्सा पुरुष का होता है, उसे कहा जाता है अर्धनारीश्वर महादेव। पता नहीं ऐसा महादेव हुआ या नहीं हुआ है, यहाँ बैठे हैं प्रत्यक्ष अर्धनारीश्वर महादेव, आधे में पुरुष आधे में नारियां, अर्ध महाश्वर महा, ये पूरा हमारा जो समाज है अर्धनारीश्वर महादेव है, प्रत्यक्ष भगवान। अब ये सगुण भगवान है, सगुण का मतलब ही होता है जो चलता फिरता हो, खाता पीता हो, जिसे सुख दुख का अनुभव होता हो, ज्ञान करता हो, समझ बुझ कर काम करता हो, प्रणाम करो आशीर्वाद भी देता हो, समय से प्रेम भी करता हो, समय से क्रोध भी करता हो, वो प्रत्यक्ष भगवान सगुण परमात्मा, कबीर साहब का सगुण परमात्मा ये यहाँ बैठे हुए हैं सामने। लोग कहते हैं कि कबीर साहब ने सगुण को नहीं माना, वो निर्गुण को मानते हैं, पता नहीं विद्वान लोग क्या खा करके लिखते हैं। कबीर सगुण को प्रत्यक्ष मानते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बचाए। गुरु सगुण है कि निर्गुण है? मूर्ति जो खाती नहीं, पीती नहीं, बोलती नहीं, चालती नहीं, प्रणाम आशीर्वाद नहीं देती, वो सगुण हो गई। और गुरु जो खाता पीता है, बोलता चालता है, उपदेश भी करता है, प्रणाम भी करता, वो है, वो निर्गुण कैसे हो गया? सच्चा सगुण कौन है? जिसमें जानने का गुण हो, और हर मनुष्य में जानने का गुण, हर प्राणी में जानने का गुण है। तो कबीर साहब का सगुण परमात्मा यहाँ सामने बैठे हुए प्रत्यक्ष, इसके लिए साहब कहते हैं, आंख न मूंदो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंस हंस पहचान, सुंदर रूप निहार। अब निर्गुण की बात आती, तब साहब क्या कहते हैं? तेरा साहब है घट भीतर बाहर नैना क्यों खोले। तेरा जो साहब है, तेरा जो परमात्मा है, तुम्हारे शरीर के भीतर बैठा हुआ है, बाहर आँख खोलने की आवश्यकता क्या है? आँख बंद करो तब भीतर परमात्मा बैठा है, उसका ज्ञान होगा। और पुराने जमाने में ये बात कही गई, लेकिन बातें भूल गई, लोग भटका दिए, सही बात नहीं बताते। ऋग्वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है, गीता में आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, महाभारत सीरियल चला था तो देखा होगा, विराट रूप परमात्मा। गीता से पहले ऋग्वेद में विराट पुरुष परमात्मा का वर्णन है, लेकिन वो कौन समझने लायक है? सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपाद सब भूमि विश्रुतो वृत्ताद अधितिष्ठत दशांगुलम, ये ऋग्वेद का एक मंत्र है। वो जो पुरुष है, विराट पुरुष, उसके हजारों सिर है, सहस्र शीर्षा, हजारों, हजार कहने का अर्थ है असंख्य सिर है, असंख्य आंखें हैं, और असंख्य उसके हाथ पैर हैं। अब ऐसा कौन विराट पुरुष परमात्मा है जिसके असंख्य सिर हो, असंख्य हाथ पैर हो, असंख्य आंखें हो? ये समाज, कितने प्राणी नहीं दुनिया में, मनुष्य की संख्या दुनिया में 7.5 अरब या 8 अरब के आसपास है। आप इसी सुबह छपरा गांव में 8 अरब कीड़े मकोड़े मिल जाएंगे, गिनती नहीं कर सकोगे। तो ये भी तो परमात्मा है। अब गिनती करो, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, आदमी सब मिलाकर कितना होगा? असंख्य, गिनती से बाहर। ये सब सगुण परमात्मा है, और यही विराट, ये सब की सामूहिकता विराट पुरुष परमात्मा है, विराट पुरुष परमात्मा। ऋषि कहते हैं, ये ऋग्वेद का कथन है, ऋषि कहते हैं वो विराट पुरुष परमात्मा के हजारों नहीं, असंख्य हाथ पैर सिर ग्रीवा आंख नाक कान आदि है। कौन? ये पूरा समाज, प्राणी प्राणी मात्र की सामूहिकता, सब भूमि विरसतो वृत्तात, दुनिया में सब तरफ व्याप्त है। दुनिया में प्राणी कहाँ नहीं है? आदमी नहीं, कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी हैं, जहां जाओ वहां मिल जाएंगे, सब तरफ से वो व्याप्त है। हर जगह प्राणी है, हर जगह प्राणी है, वो भी तो परमात्मा है। ये सगुण परमात्मा की बात है, लेकिन निर्गुण के लिए क्या कहते हैं वो?
कहते हैं वो सब तरफ से व्याप्त है, सब जगह है, लेकिन बैठा कहाँ है? अधितिष्ठत दशांगुलम, सब तरफ व्याप्त होकर के दस अंगुल ऊपर बैठा है। इसका मतलब क्या है? सब तरफ जो व्याप्त है, ये प्राणी मात कबीर जेती आत्मा तेते शालिग्राम, साहब जितनी आत्माएं हैं, जितने मनुष्य हैं, प्राणी कीड़े मकोड़े साहब सब सब शालिग्राम भगवान के समान समझो सबको, और है वास्तविक, लेकिन बैठा कहाँ है? दस अंगुल ऊपर। दस अंगुल क्या है? नाभि आपकी है, दस अंगुल नापो हृदय में आएगा। बाहरी सगुण परमात्मा सब जगह है, और निर्गुण नाभि से दस अंगुल ऊपर हृदय में बैठा हुआ है। असली परमात्मा समझना है तो अपनी दृष्टि खोलनी पड़ेगी। शास्त्रों में क्या लिखा है, हमारे दादा बाबा गुरु पीर महात्मा लोग क्या कहते हैं, सुनो सबकी बात, पढ़ो शास्त्रों को, लेकिन आंख मूंद कर कभी किसी की बात मत मानो। विवेक की आंखें खोलो और समझो कि वास्तविक परमात्मा जिसका हम अनुभव कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, कौन हो सकता है जिन्हें सेवा की आवश्यकता है? ये प्राणी, और प्राणियों के साथ बैर, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े 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 भगत हैं, बड़े पुजारी हैं, बड़े धार्मिक हैं, मंदिर में जाएंगे दो दो घंटा पूजा करेंगे, तीन तीन घंटा पूजा करेंगे, ये करेंगे, ऐसा लगता है इनसे बड़ा पुजारी, इनसे बड़ा भगत, इनसे बड़ा धर्मात्मा और कोई नहीं होगा। बड़े आंख से आंसू भी बहाएंगे भक्ति करते करते, पूजा करते करते, लगता है साक्षात परमात्मा का दर्शन हो रहा है, इतने बड़े भगत हैं। किंतु जब दुकान में जाएंगे तो मिलावटी सामान बेचेंगे, कालाबाजारी करेंगे, मुनाफाखोरी करेंगे। भगवान के बड़े भगत हैं, खूब भगवान को भोग लगाएंगे, और जब ऑफिस में जाएंगे तो बिना घुस के काम नहीं करेंगे। जो भगवान खाता नहीं है उस भगवान खिलाने का नाटक किया जाता है, और जो भगवान खाते हैं प्रत्यक्ष उस भगवान की खुराक छीनी जाती है, उसके साथ बेईमानी बदमाशी किया जाता है। कबीर साहब ऐसी भक्ति की बात नहीं कहते। कबीर साहब हमारी दृष्टि, हमारी हमारी आंखों में उंगली डाल करके हमारी आंख खोलना चाहते हैं। समझो, विचारो, किसी ने कह दिया मत मान, मान लो, मेरी बातों पर भी आप विचार करो, सही लगे मानना, न सही लगे छोड़ देना, कोई जरूरी नहीं है हम जो कह रहे हैं आप मान लो। जब तक आपका विवेक, आपका हृदय गवाही न दे, गुरु की बात को भी आंख मूंद करके मत मानना। गुरु साक्षात गुरु कह रहे हैं, गुरु पर विश्वास रखो, लेकिन अंधविश्वास नहीं। गुरु की भक्ति करो किंतु अंध भक्ति नहीं। गुरु भी मनुष्य है, गुरु से भी भूल हो सकती है। विचार करो गुरु की बात सही है तो इसमें विचार करने में अपराध क्या हो जाएगा? गुरु की बात पर विचार कर लेना गुरु का द्रोही बनना नहीं है। और जो सच्चे गुरु होते हैं वो कभी नहीं कहेंगे कि मेरी बातों को आंख मूंद करके मानना, कहेंगे बेटा मैं ऐसा समझता हूं, ये मेरी राय है, ये मेरा विचार है, सुनो समझो देखो, सही लगे मान लेना, न सही लगे तो छोड़ देना। जब तक तुम्हारा विवेक, तुम्हारा कॉन्शियस, तुम्हारा हृदय अलाउ ना करे, तब तक आंख मूंदकर गुरु की बात को भी नहीं मानना है। मैं मूल बात पर आता हूं। अब ये भी याद रखो, जो गुरु ये कहते हैं, चाहे वो साधु हो चाहे महात्मा हो, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो, जो ये कहते हैं गुरु की बात पर कभी विचार नहीं करना चाहिए, तर्क नहीं करना चाहिए, गुरु की बात को आंख मूंद करके मानना चाहिए, वो गुरु झूठे गुरु हैं। वो आपको केवल भटकाने वाले हैं धर्म के नाम पर।
पंडे हो, पुजारी हो, मुल्ला हो, मौलवी हो, गुरु हो, पीर हो, साधु हो, महात्मा हो, सबको आदर दो, सबको आदर दो। किसी का अपमान तिरस्कार मत करो, लेकिन किसी की भी बात को आंख मूंद करके मत मानो। जो उचित लगे अपने लिए, दूसरों के लिए, जो हितकर है, कल्याणकारी है, उन्हीं बातों को मानना, बाकी सब कुछ छोड़ देना। अंधभक्ति, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा से काम नहीं बनने वाला है। बहुत भटक चुके हैं, बहुत भटक चुके हैं, और आज भी बड़े बड़े घाघ लोग बैठे हैं, आपको भटकाने का काम कर रहे हैं। चूंकि आप भावुक हैं, आप चाहते हैं गुरु महाराज आशीर्वाद दे दे, हमारा काम बन जाएगा, एक लोटा पानी चढ़ा देंगे, बेटे की नौकरी लग जाएगी। कैसे लग जाएगा? अनेक लोग आते हैं गुरु के पास, महात्माओं के पास, अपनी बहू को लेकर, बेटे को लेकर, कहते हैं गुरु जी ये हमारे बेटे बहू हैं, शादी हुए 7-8 साल हो गए गुरु जी, बच्चा नहीं हो रहा, गुरु जी आशीर्वाद दे दे बच्चा। गुरु जी के पास का जेब में कोई बच्चा रखा है क्या? निकाल कर दे देगा तुमको। झूठ, धोखा में मत पड़ो। गुरु का आशीर्वाद है, तुम्हारी दुकान में मुनाफा नहीं होने वाला है। मेहनत करो, ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करो, अच्छा सामान दो, सही सामान दो, और मीठी वाणी बोलो, और फिर उचित दाम लो, तब व्यापार में मुनाफा होगा। थोड़ा धैर्य रखो, गुरु का आशीर्वाद से नहीं होगा। गुरु का आशीर्वाद से मुकदमा नहीं, मुकदमा में जीतोगे नहीं। तो आशीर्वाद लेने के लिए गुरु के पास मत जाओ, गुरु के पास जाओ सही ज्ञान सीखने के लिए। जीवन को कैसे जीना है इसकी सीख लेने के लिए गुरु के पास जाओ। आशीर्वाद देने वाले गुरु केवल झूठे गुरु हैं। थोड़ी सी मेरी बात कड़वी हो लगेगी आपको, ये साधु होकर ऐसी बात क्यों कह रहा है, लेकिन साधु के नाम पर बहुत भटकाव है, बहुत भटकाव है। इसलिए साधु भी पूजनीय है, पूजनीय तो हर व्यक्ति है। सबके लिए प्रेम, आदर, स्नेह, सम्मान का भाव रखो, और किसी को तकलीफ मत दो, सेवा हो जाएगी। मैं कह रहा था, साहब कहते हैं ना हरि भजस न आदत छूटी। हरि का भजन क्या है? हरि भजन कहो, राम भजन कहो, खुदा भजन कहो, रहीम भजन कहो, अल्लाह गाड भजन कह लो, परमात्मा भजन कह लो, गुरु भजन कह लो, सबका अर्थ एक ही है। वो क्या है? गलत आदतों का त्याग। आदत हम बनाते हैं और हमारी आदतें हमको परेशान करती हैं, हमारी आदतें हमारे जीवन को बिगाड़ती हैं, स्वास्थ्य को बिगाड़ती, परिवार को बिगाड़ती है। आदत जिससे हमारा शरीर बिगड़े, परिवार बिगड़े, समाज बिगड़े, जीवन बिगड़े, उसी का नाम है आदत। ऐसे खान पान, ऐसे रहन सहन जिसे शरीर, स्वास्थ्य, परिवार, जीवन सब बिगड़ता, उसी नाम तो आदत है। भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते करते, मंदिर में पूजा करते करते, हाथ जोड़ते जोड़ते 5, 10, 15, 20, 25 साल हो गए, तंबाकू लगाना भी छूटा नहीं है। कौन सी भक्ति कर रहे हो? राम की भक्ति कर रहे हो कि तंबाकू की भक्ति कर रहे हो? नाम भी जप रहे हैं, माला भी फेर रहे हैं, और मुख में गुटखा भी दबाए हुए हैं, मुख में तंबाकू भी दबाए हुए हैं। भक्ति के नाम पर ऐसी बेईमानी, भजन के नाम पर ऐसे धोखाधड़ी, दुर्भाग्य तो यह है कितने ऐसे साधु महात्मा भी निकल गए हैं जो साधु भी हैं अब बीच बीच में घंटा घंटा रगड़ कर तंबाकू भी फांकते रहेंगे, बीड़ी भी पीते रहेंगे समय समय पर, और फिर जब गांधा दम लगाते हैं ना, समाधि बहुत अच्छी लग जाती है। साधु है या साधु नाम पर उपाधु है? एक गृहस्थ बिगड़ता है,
तो गृहस्थ अपना बिगड़ता थोड़े लोगों को बिगाड़ता, क्योंकि गृहस्थ का संपर्क थोड़े लोगों से होता है। और साधु पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है। एक गंजेरी साधु जहां जहां जाएगा लोगों को गांजा पीना सिखा देगा, गृहस्थ इतना नहीं सिखा पाएगा। एक तंबाकू खाने वाला साधु जहां जहां जाएगा लोगों को तंबाकू खाना सिखा देगा। अब महा अपराध हो रहा है ये साधुता के नाम पर। जिसको समान गृहस्थों को भी नहीं खाना चाहिए उसको साधु कहा है, उसको साधु पिए। तो साधु आदरणीय तो है लेकिन कपड़ा नहीं, जीवन का आचरण। साधु का त्याग, साधु का वैराग, साधु की रहनी, ये पूजनीय है। कपड़ा पूजनीय, कपड़ा तो कोई भी पहन ले सकता है। तो भजन क्या है? बुरी आदतों का त्याग। बस एक काम, कोई भी गलत आदत जीवन में न लगाओ। भक्ति भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं और बिना गाली दिए बात नहीं करेंगे। कौन सी भक्ति है भाई? बड़े भगत हैं भगवान के, गुरु के, मन में ईर्ष्या भरी है, घृणा भरी है, लोभ भरा हुआ है, बैर भरा हुआ है, कहां से भक्ति हो रही है? सब दिखावे की भक्ति। दिखावा में हम लोग भूल गए हैं। ये दिखावे की भक्ति काम नहीं आएगी। असली भक्ति जीवन की निर्मलता, मन की निर्मलता, वाणी की निर्मलता, कर्मों की निर्मलता। न पूरा निर्मल होता, जितना कर सकते उतना तो करें, कम से कम गलत अच्छी बातों ग्रहण नहीं कर सकते तो बुरी बातों का तो त्याग कर दो। भजन, कबीर साहब के हिसाब से भजन, भजन है जीवन का सुधार। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। इतना सरल भजन है सबके लिए। भजन वह है जो सबके लिए लागू होता हो। जो सबके लिए लागू ना होता हो वो हमारा विश्वास है, कर्मकांड है, हमारी मान्यता है। कल मैंने कहा था हिंदू मंदिर में पूजा करेंगे, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, ईसाई गिरजा में प्रार्थना करेंगे, सिख गुरुद्वारा में अरदास करेंगे, कोई कुछ और करेंगे, लेकिन बुरी आदतों का त्याग किसके लिए चाहिए? वो तो सबके लिए चाहिए। कहा जाता है महर्षि वेद व्यास से किसी ने पूछा कि मैं ईश्वर की पूजा करना चाहता हूं, ईश्वर की पूजा क्या है, कैसे करूं? तो सोच में पड़ गए, ऐसा क्या बताऊं जो सबके लिए आवश्यक होगा, सबके लिए। कोई यदि कहता हूं राम राम कहो तो हिंदुओं में भी सब लोग कहां करेंगे? अरे समाजी लोग तो राम राम नहीं कहते, अरे समाजी लोग तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं कहते, कहते वो तो ओम का जाप करते हैं। मुसलमान तो सब कहेंगे नहीं। अल्लाह अकबर कहना यदि ईश्वर के भक्ति है तो हिंदू नहीं कहेंगे, ईसाई भी नहीं कहेंगे। बुद्धम शरणम गच्छामि यदि भगवान की भक्ति है तो गैर बौद्ध तो ही कहेंगे नहीं। ओम नमो अरिहंतानम कहेंगे तो ये तो केवल जैन मानेंगे, बाकी लोग तो मानेंगे नहीं। तब क्या है फिर ईश्वर की पूजा? तब कहा जाता है बहुत सोच विचार कर वेद व्यास ने कहा, रागात देतम हृदयम वाग दुष्टा निर्दा देवी हिंसादि रहता कायस एतद ईश्वर पूजनम। रागात देतम हृदयम, राग द्वेष ईर्षा घृणा बैर बैमनस इनसे मन रहित हो। वाग दुष्टा निर्दा देवी गाली निंदा झूठ चुगली इनसे वाणी रहित हो। और हिंसा दीरता का चोरी हिंसा व्यभिचार से शरीर रहित हो। ऐतद ईश्वर पूजनम, ये ईश्वर पूजन मतलब
मन वाणी कर्मों की निर्मलता ईश्वर की पूजा है। दुनिया में कौन कहेगा नहीं जी, आदमी तो आदमी को चाहिए अपने मन वचन कर्म को गंदा रखना चाहिए, तब भगवान खुश होगा, तब खुदा खुश होगा, ऐसा कोई कहेगा क्या? ये मन वाणी कर्मों की निर्मलता, सुंदर चरित्र, कोमल व्यवहार, मीठी वाणी की आवश्यकता किसको नहीं है, कौन इसे नकारेगा? यही यही भजन है, यही भक्ति है, जीवन का सुधार भक्ति है, आत्मशोधन भक्ति है। भक्ति क्या है? आत्मशोधन। भजन क्या है? आत्मशोधन। जैसे एक अनगढ़ पत्थर होता है, पड़ा है कहीं पर, देखते हैं उसी पर कई बार रह करके पेशाब कर लेते हैं, थूक भी देते हैं उस पर, कोई कीमत नहीं होती हुई उस अनगढ़ पत्थर को। लेकिन उसी अनगढ़ पत्थर को एक मूर्तिकार देखता है, कलाकार, मूर्ति बनाने वाला, उठाकर ले आता है दरवाजे पर और रोज उसको गढ़ना, छिलना, संवारना, शोधना शुरू करता है। धीरे 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 करते 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 गढ़ते छिलते संवारते गए, एक दिन वह आता है किसी पत्थर के भीतर से एक सुंदर मूर्ति प्रकट हो जाती है। मूर्ति बनाने वाला कलाकार उस पत्थर में मूर्ति को बाहर से लाकर बैठाता नहीं है, मूर्ति उस पत्थर के भीतर छिपी हुई थी। कलाकार ने क्या काम किया? पत्थर के जिन भागों ने, जिन अंशों ने उस मूर्ति को ढक रखा था, धीरे धीरे सिनेमेटोग्राफी से शोध शोध कर उन अंशों को दूर हटाने का काम किया। सारे अंश जब हट गए तब सुंदर मूर्ति प्रकट हो गई। फिर वो पत्थर पत्थर नहीं रह गया, वो पत्थर सुंदर मूर्ति बन गई। जिस पत्थर को 100-200 रुपया देकर भी आप खरीदना नहीं चाहते थे, अब उसी पत्थर को हजारों लाखों देकर खरीदते हो, क्योंकि अब पत्थर नहीं रह गया, मूर्ति हो गया। अब मूर्ति नहीं हो रह गया, किसी मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा हुई, वो भगवान बन गया। पत्थर वही है, एक समय हम उसी पर पैर रख करके खड़े होते थे और आज उसके सामने हम सिर झुका रहे हैं। क्यों? उसको शोधा गया पत्थर। ऐसे ही अपने आप को शोधें, रोज सुबह बैठें उठ करके, बस दो चार मिनट, चाहे स्त्री पुरुष साधु गृह तो कोई हो, दो चार मिनट सुबह बैठें, बस नींद खुले भीतर बैठ जाओ और सोचो कि मेरे किस व्यवहार से, मेरे किस वाणी से, मेरे किस कर्म से, किस आचरण से, किस खान पान से मेरा जीवन बिगड़ रहा है और मेरे परिवार के लोगों को तकलीफ होती है, क्यों मैं दुखी हूं, विचारो और समझ में आ जाए तो अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपने बात व्यवहार को छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। विचारो, इतने दिन हो गए भक्ति करते, इतने दिन हो गए पूजा करते, सत्संग करते, गंगा नहाते, तीर्थ यात्रा करते, माला जपते, नाम जपते, सब कुछ हो गया, मेरे क्रोध कितना घटा, मेरी ईर्ष्या कितनी घटी, लोभ कितना घटा, मोह बैठा गया कितना घटा, काम की जो लंपटता है वो कितनी घटी। सोचते जाओ और सोच करके धीरे धीरे से छोड़ने संकल्प करते जाओ, सोधते जाओ, सोधते जाओ, एक दिन भीतर का भगवान प्रकट हो जाएगा। और ये काम हम नहीं करते, भगवान को बाहर से पाना चाहते हैं। ऐसा कोई भगवान नहीं है जो बाहर से मिलेगा आपको, हो मिलेगा भी तो छूट जाएगा, उधारी का भगवान काम नहीं आएगा। भीतर भगवान हमारा अपना भगवान होना चाहिए, वो भीतर, वो बाहर नहीं, वो भीतर बैठा है। अनुभव में क्यों नहीं आता? क्योंकि हम शोधने का काम नहीं करते। तो भजन है आत्मशोधन, निरंतर अपने गुण दोषों की परख करते रहना और परख करके अपने गुणों का संवर्धन करना, गुणों को बढ़ाते जाना, बढ़ाते धीरे धीरे से ही, और दोषों को छोड़ते जाओ, एक एक दोष, एक एक दोष, एक एक दोष, ऐसा करो। अकेले बैठो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, चाहे जवान हो चाहे बूढ़े, चाहे साधु चाहे गृहस्थ, अकेले बैठो और बड़ी निष्पक्षता के साथ
जैसे हम दूसरे की बुराई देखते हैं ना, दूसरे के दोषों को देखते हैं, गलतियों को देखते हैं, वैसे ही बारीकी से निष्पक्षता के साथ अपनी गलतियों की सूची बनाओ। लिखते जाओ, मुझमें ये गलती है, मुझमें ये गलती, मुझमें ये गलती, मुझमें ये गलती है, सारी गलती सूची बना लो। अब फिर देखो कि इन गलतियों में कौन सी गलती सबसे छोटी गलती है जिसे मैं बहुत जल्दी आराम से छोड़ सकता हूं। जो सबसे कठिन लगे उसे सबसे पीछे रखो लिस्ट बनाने पश्चात, जो लगे कि ये गलती बहुत छोटी गलती है, शुरुआत वहां से करो, उसको छोड़ने का संकल्प। दो दिन, चार दिन, पंद्रह दिन, महीना भर में जो गलती छूट जाएगी, उसके बाद फिर देखो अब गलतियों में जो गलतियां जो बाकी है उनमें से कौन सी गलती छोटी है बाकी रही, उस शुरुआत को धीरे धीरे करते करते जाओगे। चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं, नियम सबके लिए बराबर, दोनों का काम एक ही करना है। मैं बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि मुझमें गलतियां नहीं, मुझमें भी तमाम गलतियां, मुझे भी अपनी गलतियों को छोड़ना पड़ेगा, तभी मेरी साधना पूरी होगी। साधना का अर्थ है गलतियों का त्याग, भजन का अर्थ है गलतियों का त्याग। ऐसा जब करते जाएंगे करते जब सारी गलती छूट जाएगी, भीतर भगवान प्रकट हो गया, खोदना का है, भटकना का, इसका नाम है भजन करना। और साहब क्या कहते हैं, ना हरि भजन से ना आदत छूटी। मनुष्य ना हरि का भजन करता है और ना इसकी गलत आदतें छूटती है। एक काम और करना होगा, हम और आप कोई भी अकेले नहीं रहते, आप परिवार में रहते हो, माता पिता, पति पत्नी, भाई बंधु, बेटा बहू के साथ। हम समाज में रहते हैं, गुरु हैं, गुरु भाई हैं, शिष्य हैं, भगत लोग हैं, उनके साथ रहते हैं। कभी कभी व्यवहार में न समझने के कारण या लोभ के कारण, स्वार्थ के कारण आपस में कुछ कहा सुनी हो जाती है, विवाद हो जाता है, कोई हमें कटु कह देता है, हम किसी कटु को कह देते हैं, कोई हम किसी पर गुस्सा कर लेते हैं, कोई हमारे ऊपर गुस्सा कर लेता है, ये सब हो जाता है। किसी के लिए मन में बैर विरोध की भावना आ जाती है। ऐसा करना है, मान लो किसी ने बिना गलती के आपको कटु कह दिया, आपको गाली दे दिया और आप पर गुस्सा कर लिया, अच्छा तो नहीं लगा। आप चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, सहन कर लिए। कभी आपने ही जोश में आकर या हमने जोश में आकर किसी को कटु कह दिया, किसी की निंदा कर दिया, किसी को बुराई कर दिया, किसी को गुस्सा कर दिया, किसी नुकसान कर दिया, किसी को एक थप्पड़ लगा भी दिया, अब बात तो आ गई। अब इसके कारण से मन में बैर बन गया है, अब मन पश्चाताप कर रहा है, मन में शांति नहीं है, उद्विग्न है मन, तनाव से भरा हुआ है मन, तो करना क्या है? या तो जिसने हमें गाली दी, हमारी निंदा किया, या हमने गाली दी निंदा किया, सामने ही या तो क्षमा मांग ले या सामने से क्षमा कर दे। लेकिन अहंकार आड़े आता है, ऐसे क्षमा कर दूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, या मैं क्षमा मांग लूंगा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, अहंकार आड़े आ जाता है। फिर अपने से छोटे से क्षमा मांगना तो और मुश्किल बात हो जाती है। तो ऐसा करो, अकेले बैठो रात में या कहीं पर, जिस व्यक्ति ने आप पर गुस्सा किया है, आपको गाली दी है, आपकी निंदा की है, आपका काम बिगाड़ा है, उस व्यक्ति के पास मन ही मन पहुंच जाओ, या उस व्यक्ति को अपने पास बुला लो मन ही मन। प्रत्यक्ष तो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कारण पड़ गया, अहंकार आ रहा आता है, कोई बात नहीं, तो मन ही मन तो उसे मुलाकात कर सकते हो ना। और मन ही मन बुला करके उससे कहो, भाई मैंने तुम्हारा कोई काम नहीं बिगाड़ा था, अपनी जान में मैंने तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं किया था, फिर भी तुमने मुझे गाली दी,
फिर भी तुमने मेरी बुराई की, मेरा काम बिगाड़ा, मुझ पर गुस्सा किया, कोई बात नहीं है, जाओ मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, मैं तुम्हें माफ करता हूं। मन से तो क्षमा कर दो, सामने क्षमा नहीं कर पाए कोई बात नहीं, मन से तो क्षमा करो, और जब मन से भी क्षमा नहीं कर पा रहे हो तो समझना आपका दिल नहीं है, पत्थर है, आपका दिल बहुत कठोर है, क्रूर है, और ऐसे कठोर और क्रूर दिल रख करके शांति कभी नहीं पा सकोगे। सामने तो माफी दे ही नहीं पाए, मन से भी माफी नहीं दे पा रहे हो, मन से भी क्षमा नहीं कर पा रहे हो, तो दिल नहीं भैया, पत्थर है। हमसे गलती हो गई, हम जोश में आ गए, जोश में आकर गुस्सा कर दिए, अब शब्द कह दिए, प्रयोग कर लिए, अच्छा है कि सामने क्षमा मांग ले। लेकिन अहंकार आड़े आ गया, सामने क्षमा नहीं मांग पा रहे हैं, तो वही अकेले बैठ कर उस व्यक्ति को बुला लो अपने पास, या खुद पहुंच जाओ उसके पास और उसे कहो कि मैं समझ नहीं पाया, अपने को संभाल नहीं पाया, जोश में आ गया, मैंने बिना मतलब आप पर गुस्सा किया, बिना मतलब आपको गाली दिया, अपनी निंदा बुराई किया, आपका काम बिगाड़ा, अपनी भूल के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और मन से भी क्षमा नहीं मांग पाना तो वही बात है, हृदय नहीं पत्थर है। यदि हम मन ही मन क्षमा नहीं मांग पाते हैं और मन ही मन क्षमा नहीं कर सकते हैं तो कोई भक्ति काम नहीं आएगी, क्योंकि अभी हृदय बहुत कठोर बना हुआ है, क्रूर बना हुआ है। और भजन कर होता है हृदय का कोमल बनना, विनम्र बनना, आग्रह रहित बनना। अब फिर तो हर समय भजन है, फिर मंदिर जाओ मत जाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नाम जपो न जपो, पूजा करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर समय भजन हो रहा, हर समय भजन हो रहा है, हर समय भक्ति चल रही है, यही भक्ति काम आएगी। तो कबीर साहब कहते हैं, ना हरि भजन से ना आदत छूटी, मनुष्य ना हरि का भजन करता है ना आदत छूटती है। सीधी बात है, अपनी आदतों का सुधार, जीवन का सुधार, जीवन को धीरे 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 ऊपर उठाते जाना, इसी का नाम भजन है। और इसी भजन से आत्मोत्थान होगा, आत्मकल्याण होगा, आत्मशांति, आत्मतृप्ति, आत्म संतुष्टि की प्राप्ति होगी, जीवन हमारा कृतार्थ हो जाएगा। मान्यता आपकी चाहे जो हो, आप अपनी मान्यता से स्वतंत्र हैं, लेकिन जब तक ये भजन नहीं होगा, ये भजन सार्वभौमिक भजन है, इसी भजन से ही मानव समाज में एकता आएगी, हमारा कल्याण हो जाएगा। केवल एक पंक्ति कबीर साहब की याद करें, ना हरि भजन से ना आदत छूटी। इस पंक्ति में मैंने आपसे निवेदन किया, समय काफी हो चुका है, आप सबको धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बातों ध्यान से सुना, बहुत शुभकामनाएं, अपनी वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।